हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुभम पुरोहित आपका ज्योग्राफी एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ड्रिंस पर मैग्नेट ड्रींस जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमैटिकली प्रोवाइड करने के लिए जहां पर आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में और हिंदी माध्यम में वहाँ आपको प्रोवाइड करते हैं कक्षा छठवीं से लेकर बारहवीं तक की सभी कक्षाएं साथ ही साथ अगर आप ई e नोट्स e लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कक्षा बारहवीं की बुक जिसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था इस बुक का चैप्टर नंबर एट पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी टाइटल नेम के साथ आप लोगों को जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उस बुक में भी इसी टाइटल नेम के साथ चैप्टर दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और चूंकि उस बुक में हम लोगों ने वैश्विक परिदृश्य की बात की थी ग्लोबली हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को डिस्कस किया था आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की बात करेंगे या इस वाली बुक जो जिसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था इस बुक में जो बातें संकेंद्रित होंगी वो भारत को लेकर होंगी पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप को देखा था आज हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप को देखेंगे मतलब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि भारत का आयात किस तरीके से बदला है पिछले कुछ वर्षों में उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब देखिए लिखा गया है कि भारत ने 1950 एवं 1960 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं खाद्यान्न पूंजीगत माल मशीनरी एवं उपस्कर आदि हुआ करते थे अब देख लीजिए आप लोगों से पूछा जा रहा है बोला जा रहा है कि भाई 1950 और 60 के दशक में भारत जो मुख्य रूप से आयात करता था ना वो आयात करता था खाद्यान्न ठीक है हम गेहूं चावल बहुत ज्यादा आयात करते थे क्योंकि जब हमारा देश उन्नीस में आज़ाद हुआ था ना तो उन्नीस में हमारे आज़ादी के बाद जो हमारी सबसे बुरी स्थिति थी वो खाद्यान्न के मामले में थी खाद्यान्न के मामले में हम उतने आत्मनिर्भर नहीं थे खाद्यान्न के मामले में हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी और उस समय सबसे ज़्यादा आयात क्योंकि हम इसी इन्हीं चीज़ों का करते थे तो अन्य चीज़ों पर हमारा खर्चा नहीं हो पाता था लेकिन आप लोगों को पता है कि 1960 से 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई ठीक है ग्रीन रेवोल्यूशन के आते ही भारत ने आयात जो था जो खाद्यान्नों का प्रमुख करता था वो आयात बंद कर दिया और खाद्यान्न के मामले में भारत जो था वो आत्मनिर्भर हो गया अब भारत में इतना खाद्यान्न होने लगा कि भारत आयात तो छोड़िए भारत निर्यात करने लगा खाद्य वस्तुओं का तो ये दशक आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है कि 50 से 60 का जो दशक था वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था लेकिन 60 के दशक के अंत में या मिड में हम लोग देखें तो हरित क्रांति आ गई थी और उस समय हम उस समय के बाद जो है हम लोग खाद्यान्न आयात नहीं करते थे खैर लेकिन उस समय की आयात की प्रमुख वस्तु देख लीजिए सबसे शुरुआत में ही खाद्यान्न लिखा हुआ है उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था चूंकि आयात प्रतिस्थापन के सभी प्रयासों के बावजूद आयात निर्यात से अधिक थे कुल मिलाकर यह बोला जा रहा है कि उस समय भुगतान संतुलन जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है मतलब कुल मिलाकर यह व्यापार संतुलन की तरह ही एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो आरबीआई रखता है आरबीआई जो है ये रिकॉर्ड रखता है कि भारत से कौन सी चीज विदेशों को निर्यात होती है कौन सी चीज भारत भारत से विदेशों को निर्यात होती है और कौन सी चीज विदेशों से भारत में आयात होती है और इसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आरबीआई रखता है और इसे ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको बीओपी बोलते हैं क्या बोलते हैं बीओपी और हिंदी में इसी को बोलते हैं भुगतान संतुलन क्या बोलते हैं भुगतान संतुलन इसलिए आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा बीओपी क्राइसिस चल रहा था भारत में बीओपी क्राइसिस बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे उस समय खासकर 1990 तो के पहले तो भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी भारत जनरली जो है विदेशों से चीज़ें आयात बहुत कम करता था लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो आयात करनी ही होती थी जैसे कच्चा तेल है खाद्यान्न है अब खच्चा, कच्चा तेल या खाद्यान्न अगर हम आयात नहीं करेंगे तो खाद्यान्न तो जरूरी है जीने जीने के लिए और पूरी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके इसलिए कच्चा तेल भी आयात होता था ऐसे अन्य चीज़ें हम आयात नहीं करते थे लेकिन ये दो चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आयात करते थे और इन दोनों का ही खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता था मतलब क्या हम क्या कर रहे हैं कि आयात बहुत ज्यादा कर रहे हैं ठीक है आयात बहुत ज्यादा कर रहे हैं आयात अगर हम करेंगे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ठीक है अमेरिका है और यहां पर इंडिया है ठीक है अमेरिका से सपोज करिए भारत जो है गेहूं आयात करता है क्या आयात करता है गेहूं मतलब उस समय भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए गेहूं का मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं अमेरिका से आयात किया भारत ने गेहूं ठीक है इसके बदले इंडिया को अमेरिका को अमेरिका पेमेंट करनी पड़ेगी ना इसके बदले इंडिया जो है अमेरिका को पेमेंट करता था बहुत ज्यादा पेमेंट हो जाती थी इसी तरीके से जो अरब कंट्रीज थी कौन अरब अरब देश अरब देशों से अरब देशों से भारत जो है अरब देशों से भारत जो है वो आयात करता था कच्चा तेल क्या आयात करता था कच्चा तेल और इसके बदले भारत अरब देशों को क्या करता था पेमेंट करता था मतलब खाद्यान्न की भी पेमेंट जा रही है कच्चे तेल की भी पेमेंट जा रही है तो भारत की स्थिति बहुत खराब थी पूरा खजाना खाली हो गया था और खजाने को खजाने खा, की खाली होने को ही बोलते हैं भुगतान संतुलन की स्थिति अच्छी नहीं होना भुगतान संतुलन इसलिए लिखा गया है बिल्कुल विपरीत था खजाना खाली था मतलब हम लोगों की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी सत्तर के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया जैसा मैंने बताया लेकिन 1973 में आए ऊर्जा संकट से पेट्रोलियम के मूल्य में उछाल आया फलत आयात बजट भी बढ़ गया दरअसल होता ये था कि कच्चा तेल आप लोगों को पता है है कि एक सीमित क्षेत्र पर मिलता है। खासकर अरब देश जो है वहां पर जो है कच्चा तेल मिलता है लेकिन वहां पर अरब देश जो थे 1973 का जो दशक था 1973 के आसपास वहां पर युद्ध चल रहा था सिविल वॉर की स्थिति थी और वहां पर अगर युद्ध होगा तो तेल का निर्यात वो लोग कर नहीं पाएंगे वो लोग तेल का निर्यात नहीं करेंगे तो हम तेल का आयात नहीं कर सकते आयात नहीं करेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई हम लोगों को महंगा आयात करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं से तो मंगाना था तेल महंगे आयात करने के चक्कर में पूरा पैसा हम लोगों का खर्च हो गया मतलब खाद्यान्न में सफल हो गए लेकिन कच्चे तेल में हम लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई भाई पहले ना सोलर ऊर्जा जैसे कोई कॉन्सेप्ट हुआ करते थे पवन ऊर्जा जैसे हम बड़ी मुश्किल से जो है वो पेट्रोलियम जो थे वो मंगा पाते थे कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो है वो मंगा पाते थे तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी दो ही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है याद रखिएगा पचास से साठ में स्थिति खराब थी खाद्यान्न आयात करते थे लेकिन सत्तर के दशक में जब हरित क्रांति आई तो चीजें ठीक हो गई लेकिन फिर भी में जो ऊर्जा संकट था वो गहरा गया इतना अगर आप याद रखेंगे तो बैकग्राउंड समझने में आप लोगों को बहुत मदद हो जाएगी चलिए मिल आ, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं खाद्यान्नों के आयात की जगह उर्वरकों एवं पेट्रोलियो ने पेट्रोलियम ने ले ली मशीन एवं उपस्कर विशेष स्टील खाद्य तेल तथा रसायन मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करते हैं कुल में अगर आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि खाद्यान्नों के आयात की जगह चूंकि अब हम लोगों के यहाँ तो हरित क्रांति हो गई मतलब हम खाद्यान्न तो नहीं मंगाते थे लेकिन हरित क्रांति से एक दिक्कत ये हो गई कि हरित क्रांति में एच वाई वी सीड्स यूज होते थे हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ होते थे इन सीड्स के साथ दिक्कत यह है कि इनमें फर्टिलाइज़र यानी उर्वरकों की संख्या बहुत ज़्यादा या उर्वरक जो है बहुत ज़्यादा डालने पड़ते थे फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डालने पड़ते थे कीटनाशक जो है बहुत ज़्यादा डालने पड़ते थे अब कीटनाशक उर्वरक भारत में नहीं होते हैं तो फिर भी हम लोगों को कीटनाशक उर्वरक मंगाना पड़ेगा क्योंकि अब हम खाद्यान्न नहीं मंगाएंगे तो अब हम क्या मंगाएंगे हम उर्वरक मंगाएंगे कीटनाशक मंगाएंगे इसलिए अब खाद्यान्नों की जगह किसने ले ली उर्वरकों एवं पेट्रोलियम ने ले ली साथ ही साथ हम बड़ी बड़ी मशीनें मंगाते थे क्यों मंगाते थे क्योंकि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था विनिर्माण क्षेत्र जो था वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था इसलिए भारत ने मशीनों को भी आयात किया भारत ने स्टील को आयात किया भारत ने खाने के तेल को आयात किया भारत ने केमिकल्स यानी रसायन को मुख्य रूप से आयात किया अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं 2015 से 2022 का डेटा दिया गया है प्रतिशत के फॉर्म में ठीक है कि भारत ने कौन कौन सी चीजें आयात की हैं किस किस साल में ठीक है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 2015 16 16 17 सत्रह बीस और 21 22 में भारत में खाद्य एवं संबंधित वस्तुओं की अगर हम संख्या देखें प्रतिशत के रूप में तो पाँच दशमलव एक प्रतिशत हम लोगों ने आयात किया है 2015-16 में पांच दशमलव छह प्रतिशत आयात किया है सोलह में चार दशमलव पांच प्रतिशत आयात किया है बीस इक्कीस में और चार दशमलव चार प्रतिशत आयात किया है दो हजार -20 में ठीक है तो इस प्रकार यहां पर कुछ डेटा दिया गया है कम कम से कम। आप लोगों को देखिए चार्ट तालिका रटनी नहीं है कि भाई डेटा क्या है है इससे कोई मतलब नहीं है। आप भारत, जो है भारत पेपर बोर्ड विनिर्मित एवं अखबारी कागज आयात करता है कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं आयात करता है और अन्य चीजें भारत आयात करता है और इन सभी में भी आप अगर चार्ट देखेंगे तो ये अन्य को तो हटा दीजिए क्योंकि अन्य में तो बहुत सारी चीज़ें इनफाइनाइट चीज़ें आ जाएंगी अगर हम इन सभी चीज़ों में देखें तो भारत सबसे ज़्यादा क्या आयात करता है तो पता चलेगा कि भारत ईंधन सबसे ज़्यादा आयात करता है अगेन ईंधन में वही कोयला पेट्रोलियम की बात आ जाती है बिना कच्चे तेल के तो कुछ नहीं हो सकता मतलब ईंधन सबसे ज़्यादा आयात करता है इक्कीस बाईस की भी अगर हम बात करें तो इकतीस भारत ने ईंधन आयात किया है सौ में से सोच कर देखिए ये बहुत बड़ा डेटा है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तालिका बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी समझ में आ रहा है ना मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर वीडियो क्लियर है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेने हैं चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं तालिका 8.4 मतलब जो पिछली तालिका थी उससे पता चलता है कि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई है यहां पर हम लोगों ने देखा कि पेट्रोलियम का जो आयात था देख लीजिए 25.4 फिर 26.7 फिर 25.1 और अब देख लीजिए 31.6 इसके आयात में क्या हुई है वृद्धि हुई है इसका उपयोग न केवल ईंधन के रूप में बल्कि औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में भी ईंधनों का प्रयोग किया जाता है यह बढ़ते औद्योगिकरण और, और बेहतर जीवन स्तर की गति को इंगित करता है भाई पेट्रोलियम का निर्यात जो है हम लोगों का बढ़ा है मतलब हम ज्यादा पेट्रोलियम मंगा रहे हैं इससे दो चीजें क्लियर हो रही हैं भारत में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ठीक है भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विनिर्माण क्षेत्र ग्रो कर रहा है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं इसलिए ईंधन की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि अब फैक्ट्रियों में सामान बनेगा उस सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए ट्रकों में ईंधन भराएगा इसलिए पेट्रोलियम ज्यादा लगेगा इससे ये पता चल रहा है दूसरा कि भारत में जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब भारत में जो लोग हैं उनका जीवन स्तर बढ़ रहा है अब भारत में लोग क्या कर रहे हैं भाई टू व्हीलर से फोर व्हीलर फोर व्हीलर से भी भारत जो है एक दो हर हर फैमिली मेंबर में आप लोग देखेंगे हर एक व्यक्ति के पास जो है वो मोटरसाइकिल है या फिर कार है पहले क्या होता था पहले बड़ी मुश्किल से फैमिली में एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी अब हर व्यक्ति को अपनी एक क्या चाहिए गाड़ी चाहिए मतलब क्या निश्चित हो रहा है इससे पेट्रोलियम ज्यादा आयात होने से इस समय कि भारत में लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है भारत के लोग अब जो है पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं ठीक है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदाचरित मूल्य में वृद्धि भी इसका एक कारण है मतलब थोड़ा बहुत जो मूल्य में जो वृद्धि हुई है पेट्रोलियम की इसका भी उसकी वजह से भी हम लोग पेट्रोलियम ज्यादा आयात कर रहे हैं ताकि हम आ, रिजर्व जो है वो रख सकें यह भी देखा गया है कि पूंजीगत वस्तुओं के आयात में लगातार गिरावट बनी रही पूंजीगत वस्तुओं का मतलब ये होता है बड़ी बड़ी मशीनें कैपिटल गुड्स ठीक है उनका अब हम आयात कम करने लगे क्योंकि देश में ही उनका निर्माण होने लगा खाद्य एवं संबंधित उत्पादों के आयात में भी गिरावट आई जैसा कि मैंने बताया हरित क्रांति आ गई भाई हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अब गेहूं चावल की बम्पर पैदावार भारत में होने लगी तो क्यों हम दूसरी चीजें आयात करेंगे खाद्य से संबंधित ठीक है भारत के आयात की अन्य प्रमुख वस्तुओं में मोती बहुमूल्य और अल्प रत्न सोना चांदी अलहो धातुएं शामिल हैं अब सोना चांदी तो भारत में उतना नहीं मिलता इसलिए ये जो है भारत में हम आयात करने लगे आप सभी को पता है कि भारत में शादियों के सीजन में त्योहारों में सोने चांदी के प्रति कितना लगाव होता है बिना सोने चांदी के शादियां हो ही नहीं सकती भारत की अगर हम लोग देखें बात करें तो भारत में सोना चांदी का आयात बढ़ा बहुमूल्य रत्नों का आयात बढ़ा अलोह धातुएं जो थी उनका आयात जो भारत में भंडार नहीं थे इसलिए इनका आयात भारत में बढ़ा तो कुल मिलाकर आप लोगों को यह चार्ट जो हम लोगों ने देखा था ना इसमें यह वाला जो कॉलम है यह बहुत अच्छे से याद रखना है डेटा आप लोगों को याद नहीं रखना है बस ट्रेंड याद रखना है ट्रेंड का मतलब यह होता है 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 कि भाई किसका किसका आयात बढ़ता हुआ दिख रहा है, किसका हुआ दिख दिख रहा रहा घटता तो कम से कम से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना वो आप लोगों से बहुत अच्छे से बन जाएंगे वर्ष 2021-22 के भारत की कुछ प्रमुख वस्तुओं के आयात के विवरण जो है यहां पर दिए गए 21-22 में कौन कौन सी चीजों का आयात भारत ने किया ये करोड़ रुपए में जो है वो लागत दी गई है उर्वरक एवं उर्वरक विनिर्माण का आयात भारत ने कितना किया एक लाख पाँच हजार सात सौ छियानवे लाख करोड़ रुपए भारत ने आयात किया ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022 हजार का पूरा डेटा जो है वो दिया गया है इसमें भी सबसे बड़ा डेटा आप लोग गौर करेंगे तो किसका मिलेगा पेट्रोलियम एवं उत्पाद ये वाली तालिका देखिए इसमें ये वाला जो कॉलम है आप लोग पाएंगे कि यह सबसे महत्वपूर्ण कॉलम और ये वाली जो रो है जिसमें पेट्रोलियम एवं उत्पाद दिया हुआ है तो आप लोगों को पता चलेगा बारह लाख सात हजार आठ सौ तीन लाख करोड़ रुपए का जो करोड़ रुपए का मूल्य का हम लोगों ने पेट्रोलियम एवं उत्पाद जो है वो आयात किया ठीक है तो आप लोग इस डेटा को याद रखिएगा कम से कम ये लाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भारत ने सबसे ज्यादा क्या आयात किया तो 2021 और 22 के अनुसार भारत ने पेट्रोलियम एवं इससे संबंधित जो भी उत्पाद थे वो सबसे ज्यादा आयात किए हुए थे ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आप अपनी स्वेच्छा से तीसरे नंबर दूसरे नंबर पे जो चीजें आती हैं वो भी याद रख सकते हैं लेकिन ये तो याद होना ही चाहिए क्योंकि सीधे तौर तो पर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत सबसे ज्यादा क्या आयात करता है चार ऑप्शन दे देगा भाई खाद्य दे तेल लुगदी दी अल्हदातु या फिर पेट्रोलियम एवं उत्पाद तो आप लोग बिना सोचे समझे अब आंसर लगा सकते हैं कि भाई पेट्रोलियम एवं उत्पाद भारत सबसे ज्यादा आयात करता है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड और ये तालिका विशेष रूप से समझ में आ गई होगी अब हम लोगों को ट्रेंड समझना है कि भारत का जो आयात संगठन है उसका ट्रेंड या प्रारूप जो है वो किस प्रकार बदल रहा है तो उसमें हम लोग व्यापार की दिशा को समझ लेते हैं भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश देशों एवं प्रमुख व्यापारी गुटों के साथ हैं वर्ष 2021-22 के दौरान क्षेत्रानुसार एवं उप क्षेत्रानुसार व्यापार तालिका जो है 8.6 मतलब इस तालिका में दी गई है कि भारत ने किस देश के साथ कितना व्यापार किया यूरोप अफ्रीका उत्तरी अमेरिका लैटिन अमेरिका एशिया एवं आशियान कंट्रीज़ के साथ भारत ने कितना व्यापार किया यहाँ पर इस तालिका में आप लोगों को नजर आ जाएगा और इस तालिका में मुख्य रूप से आप देख पाएंगे कि एशिया और जो आशियान कंट्रीज है मतलब सिंगापुर मलेशिया थाईलैंड उन कंट्रीज की बात हो रही है और एशियन कंट्रीज तो आप लोगों को पता ही है एशियन कंट्रीज में भारत भी आ जाता है उनसे सबसे ज्यादा भारत ने आयात किया है क्यों क्योंकि एशिया में ही आप लोगों को ये भी पता है कि जितने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जहाँ से भारत पेट्रोलियम सबसे ज्यादा आयात करता है और पेट्रोलियम की वजह से ये डेटा आप लोगों को इतना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है मतलब प्रश्न यहाँ पर यह बनेगा कि किस क्षेत्र से या किस उपक्षेत्र से भारत सबसे ज्यादा आयात करता है तो अब बिना सोचे समझे आप आंसर लगा पाएंगे कि एशिया एवं आसियान कंट्रीज ठीक है आसियान का फुल फॉर्म देखिए ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ठीक है एसोसिएशन ऑफ ये ई है बीच में अगर मैं बताऊं आपको ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ये आसियान का फुल फॉर्म है दस कंट्रीज जो हैं इस आसियान के ग्रुप का सदस्य हैं इनसे भारत और एशियन जो कंट्रीज है, भारत सबसे करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तालिका समझ में आ गई होगी तो हम लोगों ने देखा कि लगभग हर व्यापारिक गुट से भारत का आयात चलता रहता है भारत का उद्देश्य आगामी पांच वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को दुगना करने की है मतलब भारत चाहता है कि भारत में जो हिस्से भारत की जो हिस्सेदारी है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में वो बढ़े लेकिन सिर्फ आयात में ना बढ़े निर्यात में बढ़े क्योंकि अगर हम निर्यात करेंगे तो कमाई होगी आयात करेंगे तो हमारी कमाई जाएगी हमें पैसा देना पड़ेगा और अगर हमें पैसा देना पड़ेगा मतलब हम क्या बोलेंगे इसी को तो बोलते हैं भुगतान का असंतुलन या फिर इसी को बोलते हैं व्यापार संतुलन ऋणात्मक है प्रतिकूल है ठीक है माइनस का साइन अगेन भारत इस दिशा में पहले से ही आयात उदारीकरण आयात करों में कमी डी लाइसेंसिंग तथा प्रक्रिया से उत्पाद के एकस्व में बदलाव आदि अनुकूल उपाय अपनाने भारत ने शुरू कर दिए हैं मतलब भारत पहले क्या करता था कि विदेशों से कोई सामान नहीं मंगाता था भारत में नियम कानून बहुत कठोर थे अब हम लोगों ने क्या किया नियम कानून को उदार कर दिया उदारीकरण मतलब बहुत लिबरल नियम कानून हो गए कि आप भाई दूसरे देशों से आ, दूसरे देशों से भारत ने बोल दिया कि अब आसानी से आप भारत में आ सकते हैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं भारत से भारत में बहुत सी चीजें अपनी जो है आप बेचना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं पूरा जो है हम उदार रवैया अपनाएंगे उदारीकरण की नीति इसी को बोलते हैं आयात करो में कमी कर दी पहले क्या करते थे भाई सौ रुपए की चीज मंगाई तो सौ रुपए टैक्स लगा देती थी सरकार अब बोलती है नहीं भैया आप अपना प्रोडक्ट भारत में बेचो हम बहुत कम टैक्स लगाएंगे इसी को बोलते हैं आयात करों में कमी अब डी लाइसेंसिंग पहले भारत सरकार क्या करती थी जितने भी प्रोडक्ट होते थे सरकार बोलती थी हम ही बनाएंगे कोई प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस नहीं देती थी सुई से लेकर हवाई जहाज सरकार ही बनाती थी लेकिन सरकार ने बोला हमारा काम चीज़ों के उत्पादन करने का तो है ना हमारा काम तो भाई सरकार चलाने का है चीज़ों को मैनेज करने का है इसलिए सरकार ने अब लाइसेंसिंग की जगह डी लाइसेंसिंग कर दिया मतलब सरकार ने बोल दिया कि भैया अब हम प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस देंगे इसलिए आज आप देखेंगे भारत में इंडियन जो ब्रांड्स हैं या कंपनी है वो कितनी सारी स्थापित हो चुकी हैं इवन उनका नाम विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है मतलब डी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भारत में स्टार्ट हो गई ठीक है पेटेंट पेटेंट जो था पेटेंट में बदलाव किया गया भारत ने थोड़ा लिबरल रवैया अपनाया भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री एवं वायु मार्गों द्वारा संचालित होता है सड़क मार्ग से भारत ज्यादा व्यापार नहीं करता भारत में सबसे ज्यादा व्यापार वैसे तो समुद्री मार्ग से होता है उसके बाद वायु मार्ग से हालांकि विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा नेपाल भूटान बांग्लादेश एवं पाकिस्तान जैसे पड़ोसी राज्यों से होकर भी किया जाता है मतलब भारत से जो लगे हुए पड़ोसी राज्य नेपाल भूटान पाकिस्तान यहाँ से थोड़ा बहुत सड़क मार्ग से व्यापार होता है आ, अगर हम पूरा अधिकतर व्यापार देखें तो अधिकतर व्यापार समुद्री या जल मार्ग से किया जाता है और जो बहुमूल्य चीजें हैं बहुत ही ज़्यादा कीमती बहुमूल्य दुर्लभ धातु हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है वायु मार्ग से ही भेजी जाती है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी इस तरीके से हम लोगों ने भारत के बदलते आयात स्वरूप को समझा जो तालिकाएं इस वीडियो में दी गई थी उन तालिकाओं के ट्रेंड को आप लोगों को समझना है कि कौन सी चीज भारत सबसे ज्यादा आयात करता है तो हम लोगों ने देखा पेट्रोलियम भारत सबसे पेट्रोलियम जो है भारत जो है सबसे ज्यादा आयात करता है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट्स पूछ लेने हैं इसी तरीके से सी बोर्ड के साथ डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ड्रेन आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिन्गोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल आपको करना क्या है इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है ई e नोट्स और ई e बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच